तो पोलराइजेशन के अंदर हमने जो पिछला न्यूमेरिकल किया था वो ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5, आपने 6 करना है। 6th न्यूमेरिकल में आपको ये गिवन है, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर। तो एक पोलराइड ऐसे, एक ऐसे, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90। इन दोनों पोलराइड्स में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें एक पोलराइड को डाला था, इसमें कितने डाल दिए, एन माइनस वन डाल दिए। तो पहला और आखिरी पोलराइड कितने एंगल पर है, 90, और बीच में कितने हैं, एन माइनस वन पोलराइड है। तो और एक्सिस इक्वली स्पेस्ड, मतलब हर में एंगल बराबर बराबर डालते जा रहे हैं। अब आगे, हाउ डज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बिहेव फॉर लार्ज एन। अगर नंबर ऑफ पोलराइड बहुत बड़े हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी ये बतानी है। पर एक काम करें, पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं क्या होगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, पहला पोलराइड और आखिरी कितने हो गए, दो। दो में कितने फिट इन कर दिए, एन माइनस वन। तो कुल मिला के कितने पोलराइड हैं, एन माइनस वन और दो, कितने हो गए, एन प्लस वन। तो एन प्लस वन पोलराइड्स क्लियर हैं। इसमें से वन का मतलब पहला पोलराइड, वन के बाद जो पोलराइड हैं वो एन नंबर हैं और हर में इक्वली स्पेसिंग है। तो पहले और सेकंड में अगर एंगल थीटा, सेकंड और थर्ड में थीटा, थर्ड और फोर्थ में थीटा, करते करते एंड में थीटा, तो टोटल एंगल कितना है 90, क्योंकि पहले और आखिरी में टोटल एंगल क्या बनने वाला है 90। तो यहां से सॉल्व करके एन टाइम्स थीटा इज पाई बाई टू और यहां से थीटा आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इक्वल स्पेसिंग का मतलब थीटा आ गया। अब आगे, पहले पोलराइड से जो लाइट आई वो मान लो आई नॉट है, जितनी भी आई नॉट है, आई नॉट बाई टू, कुछ भी मान लो आई नॉट है, जैसी वो अगले पोलराइड में एंटर करेगी तो लॉ ऑफ मैलस लगेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। फिर अगले में एंटर करेगी एक और कॉस स्क्वेयर थीटा, अगले में एंटर करेगी एक और कॉस स्क्वेयर थीटा। तो जब पहली बार लॉ ऑफ मैलस लगा, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, अगले में आई नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी कि डबल हो गई, स्क्वायर हो गई। फिर नेक्स्ट में क्यूब हो गया कॉस स्क्वेयर थीटा का, फिर एनथ में क्या निकलेगा, रेज टू पावर एन। तो एन बार लगेगा इसमें लॉ ऑफ मैलस, और 2 × n क्या होता है, 2n। तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। और वो थीटा क्या है, थीटा का मतलब एक और दो पोलराइड में एंगल, किन्हीं भी दो पोलराइड में एंगल जो हम निकाल चुके हैं, कितना पाई बाय 2n। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इस केस में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर n बहुत बड़ा हो जाए, अगर n बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बहुत छोटी है। कॉस ऑफ बहुत बहुत छोटा एंगल अप्रोचिंग टू जीरो बिकम्स वन, कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो कॉस ऑफ बहुत छोटा एंगल इज वन, एनीथिंग रेज टू पावर वन इज नंबर इटसेल्फ वन। तो आंसर क्या आएगा, आई नॉट ही आ जाएगा, सेम इंटेंसिटी आ जाएगी। मेनली आपने इंटेंसिटी निकाली कैसे, ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचा एन माइनस वन को कैसे एडजस्ट करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट हैविंग इंटेंसिटी 12 इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड विच इज बींग रोटेटेड अबाउट द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ द पोलराइड। तो ये मैंने सोल्यूशन बहुत लंबा किया है, इसका एक स्टेप का सोल्यूशन है। कह रहे दो पोलराइड है, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, पहले को फिक्स करो, दूसरे को घुमाओ। कितना घुमा सकते हो, 360, पूरा घुमा दोगे तो 360 घूम जाएगा। तो पहले और दूसरे पोलराइड में एंगल जीरो भी बनेगा, 10 डिग्री, 20, 30, 40, करते करते 360, तो जीरो से 2π सारे एंगल बनेंगे। हमने क्या डिस्कस किया था, जब सारे एंगल बनते हैं तो कॉस स्क्वेयर थीटा की एवरेज वैल्यू ली जाती है, और कॉस स्क्वेयर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो इंटेंसिटी बाहर क्या निकलेगी, आई नॉट बाई टू। तो अगर टोटल इंटेंसिटी जो एंटर कर रही है वो 12 है, तो 12 बाई 2 क्या हो गया, 6। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर फाइनल क्या आएगा, 6। तो कुछ भी नहीं किया, ये शो किया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हाफ होती है, ये स्टेप है। पर आपको करने की जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वेयर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ ही होती है। तो क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी पोलराइजेशन की शीट है।